हमारे नेता है नीतीश कुमार, तो हम अपना पद छोड़ के नीतीश कुमार जी को अपना पद सुपुर्द कर दिए, इसमें कौन खबर है। खबर जब चलाया उसके बाद शांत हो गया, इसलिए कि वहां से आ गया अब खबरदार आप नहीं चलाओगे, और चलाओगे तो भीतर कर देंगे, सीबीआई ईडी भेज देंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है, ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया है। कहा गया ललन सिंह को हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़, लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व। भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का कहा। ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार ने हटा दिया। सबको हम लीगल नोटिस दिए, सबको लीगल नोटिस दिया, मानहानि का मुकदमा करेंगे, इन लोगों को पता नहीं है कि हम कौन चीज है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के बाद काफ़ी सरगर्मी तेज थी राजनीति में, जिसमें पहले संबोधन जो मुंगेर से उन्होंने किया है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश और लालू हमारे नेता है। इसके साथ ही मीडिया पर भी जमकर प्रहार किया है, जिन लोगों ने उनके खिलाफ खबरें चलाई हैं कि वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दी है, उन पर जमकर प्रहार किया है। पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं ललन सिंह। इस देश की संसद में सुरक्षा में चूक हुआ, कोई मीडिया नहीं चलाया, एक दिन खबर जब चलाया उसके बाद शांत हो गया, इसलिए कि वहां से आ गया अब खबरदार आप नहीं चलाओगे, और चलाओगे तो भीतर कर देंगे, सीबीआई ईडी भेज देंगे, हो गया बंद हो गया, कोई नहीं चलाया। लेकिन ललन सिंह त्याग पत्र देंगे ये 7 दिन तक चलता, यही है मीडिया। अरे देख लीजिए कौन मीडिया है। अरे भाई ललन सिंह त्यागपत्र देंगे इस पार्टी का, जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी का मुखिया कौन, उस पार्टी का नेता कौन, नीतीश कुमार। हमारे भी नेता कौन, हमारे नेता है नीतीश कुमार, तो हम अपना पद छोड़ के नीतीश कुमार जी को अपना पद सुपुर्द कर दिए, इसमें कौन खबर है भाई, कौन खबर है। उसको चलाना क्या था, इसमें भारी मतभेद चल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है, ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया है। कहा गया ललन सिंह को हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़, लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व है। हम न क्षेत्र में ज्यादा घूम पा रहे हैं और न पार्टी के प्रति हम पूरा समय दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमको उससे पद से मुक्त करना। और मेरे बहुत प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार जी इस बात के लिए सहमत हुए कि ठीक है, आपको अगर नहीं रहना है, आपका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन तब हम बनेंगे, खुद बनेंगे। उनका प्रस्ताव दिया, इसमें खबर पहुंची है भाई नीतीश कुमार जी भाजपा में कहा लगाएंगे, भाजपा में जी नीतीश कुमार जी, भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया, लेकिन उनको देना है, चलाना है, भारत जनता में भ्रम फैलता रहे, जितना भ्रम काम नहीं किए हैं, काम नहीं किए हैं तो काम के बारे में क्या बोलेंगे। हम अगर काम किए हैं तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमने क्या काम किया। क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपना पद अपनी पार्टी के सर्वमान नेता को उसको पूर्ण कर दिया, तो इसमें कौन बड़कर खबर है यार। अब मीडिया में चलाता रहा, एगो मीडिया लिखा, एगो टीवी चैनल भी दुगो चला रहा। ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार ने हटा दिया। सबको हम लीगल नोटिस दिए,
सबको लीगल नोटिस दिया, मानहानि का मुकदमा करेंगे। इन लोगों को पता नहीं है कि हम कौन चीज है, लड़ते हैं तो हम इनको उनका अंतिम समय तक इनको बता देंगे। क्या साबित करो भाई, कहां महागठबंधन में मतभेद है, कहां महागठबंधन में कोई विभेद है? महागठबंधन में लालू, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों एक हैं, और दोनों एक हैं, और महागठबंधन के बीच ही चुनाव होगा। और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग पांव मुंह गिरेंगे बिहार में, और आपका आशीर्वाद और समर्थन रहेगा तो फिर 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जी की विदाई बिहार से ही तय हो जाएगी, बिहार से तय होगी। इसलिए साथी हम तो लोग घटा करके बता देते, अभी कितना है उनका, 303 है उनके पास, उसमें बंगाल से उनको 18। बंगाल में ममता दीदी कहीं सीट जीतने देंगी, कुछ बुझा रहा है आप लोगों को अंदाज, 4-5 सीट जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो 10 से 12 वहां घट गए लो। और बिहार में 23 है, तो 23 अगर साफ हो गए तो 23 और 12 कितना हो गए, 23 से 225 और 10-35, और इनका है 303 तो 272 चाहिए, तो 272 से 31 को ना ज्यादा है जी, तो 35 तो यही दुनू राज से खत्म हो गया, तो तू बनवा कहां से बनवा, कौन गणित से जोड़ के बनवा, किस गणित से बनिएगा? उत्तर प्रदेश में 65 है, तो 65 में 5 गो 7 गो 8 गो 10 गो 15 गो 20 को घटिए ना, घटने ना करिएगा, बढ़िएगा। मध्य प्रदेश में सब उन्हीं के पास है, तो 4 गो घटिएगा, मान लीजिए 3 गो घटिएगा, लेकिन सब आप ही के पास है, तो रब्बा है कि सीटवा बढ़ा दे, जितना जो राज्य में सीटवा है उतने ना, तो हुआ खत्म। राजस्थान में सबका सब है इनके पास, तो बढ़िएगा कम, कहां से बढ़ेगा, कहां से बढ़िएगा, कहीं से नहीं बढ़िएगा। कर्नाटक में आपका सरकार खत्म हो गया, 28 गो वहां से MP है इनका, तो घटबे ना करेंगे कुछ, सब तो वहां कांग्रेस का सरकार बन गया, तो वहां घटबे ना करेंगे तो घटेंगे, तो 7 गो 8 गो 5 गो 6 गो 10 गो जोर घटे, तो घटेगा तो घटता ही जरा, बढ़ने का कहां गुंजाइश है ये जरा हमको बता दीजिए, तो कहीं बढ़ने का गुंजाइश है ये नहीं है, हर राज्य में घटिए रहे, तो रब्बर है कि बढ़ा दो, फिर दो गिजरा से बन जाएगा तो प्रधानमंत्री। आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट रहिए, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बस्तर समेत के इनको हिमालय के तराई पर भेज देना है। तो जैसा कि आपने सुना, ललन सिंह किस तरह से मीडिया पर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी की बिहार से विदाई पर भी कहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की पहली विदाई बिहार से ही होगी। इसके साथ क्या कुछ कहा अपने संबोधन में आपने सुना, तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।